बाड़मेर के कलेक्टर टीना डाबी ने जैसे ही कार्यभार ग्रहण किया बाड़मेर के जिला कलेक्टर के रूप में, तो यहाँ बाड़मेर के अंदर सफाई व्यवस्थाओं को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। उन्होंने उद्योगपतियों के साथ बाड़मेर की नगर परिषद, पार्षद, जन प्रतिनिधियों, समाज सेवियों के साथ बैठ करके बैठक की और एक कार्य योजना पर काम करना शुरू किया। सबसे पहले भामाशाह आगे आए तन सिंह चौहान परिवार। उनके दोनों पुत्र तन सिंह जी के रास्ते पर चलते हुए राजेंद्र सिंह जी और जोगेंद्र सिंह जी ने 24 घंटे के अंदर चौमुंडा चौराहे से जो शास्त्री नगर का पुलिया है, अंडर ब्रिज रेलवे का, वहां तक का कार्य, जो सड़क का है, लाइटिंग का है, यहाँ के साफ सफाई है, बबूल कटाई है, जहाँ डंपिंग है उनका, साथ ही नाली निर्माण सहित आप पूरा कार्य इनका देखिए कि इन्होंने पूरा जो है सिस्टम पूरा चेंज कर दिया। अपनी तरफ से नए पाइप लगाए गए हैं, जहाँ लाइट की केबल थी वहाँ खोद करके लाइटिंग की केबल का काम भी भूमिगत किया जा रहा है। जहाँ खम्बा टूटा हुआ था वहाँ खम्बे का भी सही तरीके से काम यहाँ लगातार किया जा रहा है। सुबह 8 बजे से लगातार उनकी पूरी टीम, उनके पारिवारिक सदस्य, नगर परिषद के चेयरमैन दीपक जी, माली स्वयं, आयुक्त साहब सहित पूरी टीम यहाँ तैनात है। अगर करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता आदमी, व्यक्ति जो है, एक परिवार ने इतनी सड़क को बना दिया है। यहाँ जो है पीछे बबूल कटाई लगातार चल रही थी, खड्डे भरे हुए हैं, सीवरेज की लाइन को ठीक किया जा रहा है, बड़ी संख्या में लोगों के भी आसपास कोतूहल बना हुआ है, क्या कोई भामाशाह अपनी निजी कमाई से इतना काम कर सकता है? तो फिर सरकारें इतना जो काम कर रही है वो काम क्यों नहीं हो रहा है? आप जहां भी 24 घंटे के अंदर, वैसे तनसिंह परिवार ठेकेदारी लाइन के अंदर होंगे हुए, उनके पास सभी संसाधन हैं जिनको अपने काम में लगा दिया गया है। हालांकि राजेंद्र सिंह जी ने सुबह कहा था कि हमने नगर परिषद के साधनों का उपयोग नहीं किया है, निजी स्तर पर सीमेंट, ककरी, ढूंगिया, केबल, पाइप और मानव संसाधन, यानी जितने काम में लोग काम कर रहे थे, केवल उनकी सेवाएं जो है नगर परिषद की थोड़ी बहुत ली गई है। अब आप लगातार देखेंगे पुलिये से लगाकर डामरीकरण का कार्य जो है प्रगति पर चल रहा है। 24 घंटे के अंदर ये पूरी रोड बना दी गई है। कल लोग यहाँ निकलते समय यही दुआ कर रहे थे कि गरसी मंडी वाली रोड जो तन सिंह का पुराना गैरेज है यहाँ से नहीं निकले क्योंकि रेलवे में आगे गंदगी पड़ी है। लेकिन आज लोग दुआ कर रहे हैं कि हम जाएंगे गरसी मंडी तो तन सिंह गैरेज वाली रोड ही निकलेंगे। लोगों के चेहरों पर खुशी है। ये खुशी जो तन सिंह चौहान परिवार ने दी है, ये हर उद्योगपति को अपने मोहल्ले की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ अगर आप कैमरा घुमा करके देखोगे तो चारों ओर लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। यहाँ भी अगर कैमरा आप डालेंगे तो कोतूहल का विषय बना हुआ है, क्या एक व्यक्ति इतना काम करा सकता है? अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।